नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पोएट चंदन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक्सेल सीट पर किस तरीके से आप कम्युनिटीज़ में नॉन अग्री प्रोडक्ट के लिए अपना ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं वो मैं बतलाने वाला हूं। एक्चुअली दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब आप कम्युनिटीज़ में काम करते हैं, ठीक है, यानी कि MCX में मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज, जब आप मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज में काम करते हैं तो प्रोडक्ट जो होते हैं वो चार तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं आपको वहाँ पर, मतलब कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो चार तरीके के। पहला होता है बुलियन, बेस मेटल्स, एनर्जी और अग्री कम्युनिटीज। बुलियंस क्या है, जो महंगे मेटल्स हैं उनको बुलियंस कहा जाता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, और गोल्ड की कई वैरायटीज़ हैं, गोल्ड है, गोल्ड मिनी है, गोल्ड दुनिया है, गोल्ड पेटल है, सिल्वर की भी कई वैरायटीज़ हैं, सिल्वर है, सिल्वर मिनी है, सिल्वर माइक्रा है, माइक्रो बोलते हैं इसको। ये क्यों है, इसकी लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग इनको बांटा गया है दोस्तों, लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग इनको बांटा गया है। लॉट साइज़ क्या होती है, कैसे होती है, मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। देन बेस मेटल देखिए होता है, बेस मेटल में एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकल, जिंक ये आते हैं। एनर्जी के अंदर बहुत ही फेमस है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, दोनों में काफ़ी ट्रेड होता है, ये आते हैं। और दोस्तों देखिए, अग्री कम्युनिटीज़ के अंदर में जो भी कृषि प्रोडक्ट हैं, कृषि से रिलेटेड, ठीक है, वो आते हैं, जैसे ब्लैक पेपर है, कार्डमम है, कार्डमम मतलब आपका इलायची, इलायची को कार्डमम बोलते हैं, कैस्टर सीड है, कॉटन है, क्रूड पाम ऑयल है, कपास है, ठीक है। अभी याद रखिए कपास और कॉटन, तो इन दोनों में इनकी वैरायटीज में अंतर है। मेंथा ऑयल तो आप ही जानते ही होंगे, ठीक है, बहुत काफ़ी ट्रेड होता है मेंथा ऑयल के अंदर में, और ये RBD पाम ऑयल है, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, क्रूड पाम ऑयल और यहाँ पर क्रूड ऑयल, तो इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, ये क्रूड ऑयल जो है वो कच्चा तेल जो है, जो कि हमारा पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह बनाने का काम आता है, ये वाला एनर्जी के सेक्टर में जो आता है क्रूड ऑयल वो है। और ये क्रूड पाम ऑयल जो अग्री कम्युनिटीज के अंदर में है वो पाम ऑयल का क्रूड है, यानी कच्चा पाम ऑयल का तेल है, ठीक है, कच्चा पाम ऑयल का तेल है। तो ये आप जानेंगे। अब मैं आपको मेन बात बताता हूँ कि ये जो चार कैटेगरीज दिख रही है ना, इनको मेनली दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक ये जो तीन है, बुलियन, बेस मेटल और एनर्जी, ये नॉन अग्री प्रोडक्ट में आते हैं और ये आता है अग्री कमोडिटीज प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम चार्जेस के बारे में बात करेंगे, चार्जेस एंड टैक्सेस, ठीक है। तो आपको बता दूं, कमोडिटीज के अंदर में दो तरीके के ट्रेड होते हैं, कमोडिटी फ्यूचर्स में ट्रेड होता है और कमोडिटी ऑप्शंस में ट्रेड होता है, ठीक है। फ्यूचर क्या है और ऑप्शन क्या है, जो लोग ट्रेड करते होंगे अच्छी तरीके से जानते हैं, जो लोग नहीं करते, नए हैं, उनको मैं समझाने के लिए एक अलग से इसकी भी वीडियो बना दूंगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल पे बने, आप लोग के लिए बेहतरीन जानकारी के लिए वीडियोस बनाता रहता हूं, तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो आपका बेल आइकन होगा उसे भी क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मेरी जो भी नई वीडियोज़ होंगी वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगी, जैसे ही मैं डालूंगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, चार्जेस एंड टैक्सेस में कौन कौन से चार्जेस आते हैं। ब्रोकरेज आता है, ब्रोकरेज ब्रोकर लेता है, ब्रोकर का ब्रोकरेज होता है। तो ब्रोकरेज जो होती है दोस्तों, हर एक ब्रोकिंग हाउसेस, हर एक ब्रोकर जो होता है वो अपना क्लाइंट के साथ जो उसका एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ब्रोकरेज लेता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ ब्रोकरेज मेंशन नहीं की है, एग्जाम्पल के लिए मैं एक ब्रोकरेज मान लूंगा, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। देन यहाँ पे देखिए CTT होता है, ठीक है। CTT क्या है, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, CTT कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। फिर आता है ट्रांजेक्शन चार्जेस। ट्रांजेक्शन चार्जेस में दो ग्रुप हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर में दोस्तों नॉन अग्री प्रोडक्ट का है, ग्रुप बी में अग्री प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है यहाँ पर। देन GST आता है, सेवी चार्जेस होता है, सेवी चार्जेस भी अग्री नॉन अग्री में बांट दिया गया है, ठीक है, अलग अलग होता है। और स्टैम्प चार्जेस दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि स्टैम्प चार्जेस जो हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, यानी हर स्टेट का स्टैम्प चार्जेस अलग अलग होता है,
ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल पे एक स्टेट का लेकर के दिखा दूंगा कि किस तरीके से कैलकुलेट होगा। और दोस्तों आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो वीडियो मैं कमोडिटी फ्यूचर्स के लिए कैलकुलेशन बनाने वाला हूँ, ठीक है। ब्रोकरेज का जो कैलकुलेशन मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर, वो कमोडिटी फ्यूचर्स के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसी धीरे धीरे वीडियोस लाऊंगा, आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, मुझे सपोर्ट करें। मैं बाकी सारी वीडियोस लाऊंगा और आप लोग को वन बाय वन सारी चीज़ें सिखा दूंगा कि किस तरीके से खुद से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक अपना खुद का एक्सेल शीट पर कैलकुलेटर बना सकते हैं और जब चाहें उसमें डाटा फीड करिए और आपका एग्जैक्ट वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने एमसेक्स ब्रोकरेज कैलकुलेटर बनाया हुआ है, ठीक है। अब एमसेक्स ब्रोकरेज कैलकुलेटर जो है आपका, ये अभी देखिए सिंपल है। आप भी जब बनाइएगा तो पहले इस तरीके से सिंपली आप बना लीजिएगा, यहाँ चार्जेस एंड टैक्सेस हो गया, यहाँ अमाउंट हो गया, ठीक है। नाउ सिंबल लिख लीजिए, सिंबल का मतलब हो गया जिसमें हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। जिन जिन स्क्रिप्ट में जिन जिन अंडरलाइंग इनको बोलते हैं, ठीक है, इसमें ट्रेड करेंगे वो यहाँ पे ले लीजिएगा। लॉट साइज, लॉट साइज के बारे में भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। देन बाई बाई प्राइस होगा, लॉट साइज, लॉट साइज के बाद बाई प्राइस, देन बाई वैल्यू, देन फिर से लॉट साइज होगा, ये सेलिंग के लिए होगा, ठीक है। सेल प्राइस, सेल वैल्यू, देन टोटल टर्नओवर, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, और प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे दिखा दूंगा आपको कि क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ, ठीक है दोस्तों। नाउ अब कैलकुलेशन शुरू करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने जो अभी यहाँ पे बनाया है कैलकुलेशन करने के लिए, तो मैंने सिल्वर, गोल्ड और कॉपर को लिया है। अगर आप एक स्क्रिप्ट में ट्रेड करते हैं तो भी आप इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर मल्टीपल स्क्रिप्ट में, मल्टीपल अंडरलाइन में काम करते हैं तो भी आप इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, अंडरलाइंग, बेस वैल्यू, ट्रेडिंग वैल्यू, प्रॉफिट और लॉस एवरी 1 रुपीज मूवमेंट ऑफ अंडरलाइंग, ठीक। नॉन अग्री एंड अग्री कमोडिटीज, तो अग्री कमोडिटीज दोस्तों हम, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हम इसमें अभी नहीं देखेंगे, हम नॉन अग्री का देखेंगे, ठीक है। तो नॉन अग्री में देखिए क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनी, एल्यूमिनियम, इस तरीके से सारा दिया हुआ है, तो हम सारा नहीं देखेंगे, पहले हम ये देख लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों बेस वैल्यू क्या होती है, बेस वैल्यू होती है जितनी वैल्यू का जो अमाउंट है वो एक्सचेंज में कोट हो रहा है, यानी कि जो आपका प्राइस चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर की प्राइस चल रही है 48,202, 48,216। गोल्ड है, ठीक है, कॉपर है, इन सबकी यहाँ प्राइस चल रही है दोस्तों, ठीक है। तो अभी क्या है कि गोल्ड पर 10 ग्राम, यानी कि गोल्ड का जो यहाँ पर रेट दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए, ये जो 47,290 रुपये और 47,298 रुपये दिख रहा है, ये गोल्ड के 10 ग्राम का वैल्यू है, यानी 10 ग्राम का जो प्राइस है वो इतना है, ठीक है, 47,280। ये बाई प्राइस है, ये सेल प्राइस है। ये दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, बाई प्राइस का मतलब आपका बाई प्राइस नहीं, जिसपे दूसरा पर्सन बाई करने को तैयार है, ठीक है, और दूसरा पर्सन सेल करने को तैयार है, यानी कि आप जब बाई करेंगे तो आप सेल प्राइस आपको मिलेगी, और जब आप बेचेंगे तो आपको बाई प्राइस पर बेचना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को समझ लीजिए, जो लोग ट्रेडिंग करते होंगे वो जानते होंगे, ठीक है। जो अभी नए हैं उनके लिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरी चीज क्या है, ट्रेडिंग यूनिट, ट्रेडिंग यूनिट। अब देखिए गोल्ड की मैंने बात की ना, कि वो जो प्राइस आ रहा था वो कितने का था, 10 ग्राम का, और जो ट्रेडिंग यूनिट है वो 1 किलो की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग यूनिट 1 किलो की है। तो इसकी लॉट साइज क्या होगी, लॉट साइज देखिए क्या होती है, लॉट साइज मैं बता देता हूँ कि लॉट साइज बराबर क्या होता है, ट्रेडिंग यूनिट डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू। ट्रेडिंग यूनिट को अगर हम बेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो जो फिगर आएगी वो लॉट साइज की फिगर होगी, ठीक है। अब आप लोग इतना समझ गए, अब हम इसके कैलकुलेशन करेंगे। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा मान लेंगे प्राइस को, थोड़ा सा अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे वीडियो देखते समय, इसलिए मैंने ये माना है कि आज जो रेट चल रहे हैं इन कमोडिटीज के, ठीक है, उनकी लो प्राइस पे हमने बाई किया है और उनकी हाई प्राइस पे हमने सेल किया है, बढ़िया रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, हम इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे,
ठीक है, लॉस वाली फिगर थोड़ा निगेटिव होती है दोस्तों, तो हम उसको नहीं लेंगे अभी फिलहाल, ठीक है, हम प्रॉफिट वाली फिगर ले लेते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर लॉस भी रहेगा, आपको मैं जिस तरीके से कैलकुलेटर बनाना सिखा रहा हूँ, अगर लॉस रहेगा तो अपने आप कैलकुलेट कर देगा, उसमें से प्लस माइनस सब हो जाएगा खुद ही, ठीक है, जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूँ, अगर दोस्तों ये कैलकुलेटर आपको चाहिए मेरे से, ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम और अपना ईमेल आईडी मेरे को भेज दीजिएगा, मैं आपकी ईमेल आईडी पे ये कैलकुलेटर मेल कर दूंगा, ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगी, आपको बना बनाया एक मिल जाएगा कैलकुलेटर, ठीक है। नाउ अभी अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। चलिए, सिल्वर, सिल्वर का जो लो प्राइस है 47,839, 47,839, 47,839, 39, 47,839, यही है ना, 47,839, और हाई क्या है, 48,365, 48,365, तो सेल प्राइस में हम ये डालेंगे, ठीक है, 48,365, 365। चलिए जल्दी जल्दी फिगर भर लेते हैं, ठीक है, देखो हमने यहाँ पर फिलअप कर लिया है, बाई प्राइस और सेल प्राइस हमने फिलअप कर लिया है, अब हम यहाँ से कैलकुलेशन चालू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिल्वर, सिल्वर की लॉट साइज 30 की है, 30 की कैसे लॉट साइज हुई, लॉट साइज मैंने कैलकुलेट करना बताया था आपको, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, ये रहा सिल्वर, सिल्वर बड़ी वाली है, ठीक है, तो बेस वैल्यू और ट्रेडिंग यूनिट, ट्रेडिंग यूनिट 30 किलो की है और पर किलो का यहाँ पे ये निकल रहा है, तो 30 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 30, ठीक है, तो यहाँ पे 30 ही हो गया, ओके। अभी देखिए गोल्ड, गोल्ड की 100, 100 कैसे आई इसको समझिएगा दोस्तों, ठीक है, गोल्ड, गोल्ड का जो बेस वैल्यू है वो 10 ग्राम्स पर, यानी कि 10 ग्राम का रेट कोट हो रहा है, और इसका जो ट्रेडिंग यूनिट है वो 1 किलो का है, 1 किलो में 1,000 ग्राम होते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट भी मैं करके लिखा देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 1,000 ग्राम में 1 किलो होता है डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10 ग्राम का रेट कोट होता है, तो 100 हो गया, तो लॉट साइज आपकी क्या आ गई, 100 आ गई, ठीक है, तो आप समझिए कि गोल्ड मैंने कैसे निकाला है 100। अब देखिए कॉपर, कॉपर यहाँ देख लीजिए, कॉपर यहाँ है, 1 मीट्रिक टन ट्रेडिंग यूनिट है और आपका ये कॉपर जो है पर केजी का है, तो पर केजी का है और 1 मीट्रिक टन में 1,000 केजी होता है, 1,000 किलो का 1 मीट्रिक टन होता है, तो इसकी लॉट साइज कितनी हो जाएगी, 1,000 की हो जाएगी, ठीक है, 1,000 की हो जाएगी। अब हम इसका कैलकुलेशन चालू करते हैं दोस्तों, ठीक है, देखिए अब हमको बाई वैल्यू निकालना है, बाई वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है, बहुत ही इजी है, इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाई लॉट साइज, ये आ गया, ठीक है, नाउ सेल वैल्यू इसी तरीके से निकाल लेंगे, इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाई लॉट साइज, ठीक, अब इसी तरीके से सबका ले लेंगे दोस्तों, ठीक है, तो आप एक बार जान लीजिए दोस्तों, जैसे आपने एक फार्मूला लगा दिया ना, अब यहाँ पे देखिए यहाँ नीचे ऐसे बन के आ रहा है प्लस मार्क, ये प्लस मार्क को अगर थोड़ा सा पकड़ के खींच देंगे नीचे, तो सबका ऑटोमेटिक ही सब पे फार्मूला लग जाता है, बहुत ही आसान होता है, ये देखिए यहाँ पे तुरंत ही फार्मूला आ गया, अब आपको वन बाय वन कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए टर्नओवर, टर्नओवर कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है, बाय वैल्यू प्लस सेल वैल्यू आराम से निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू बाय वैल्यू प्लस सेल वैल्यू, इंटर कर दीजिए, इंटर किया आपने, ये आपका टोटल टर्नओवर निकल गया, टोटल टर्नओवर निकल गया, इसको भी दोस्तों ये आप माउस जो होगा ना आपका उस पर कर्सर पे सिलेक्ट करिएगा और आप अपने जो लेफ्ट फिंगर है उसको क्लिक करके दबा करके उसको नीचे ड्रॉप करेंगे तो आ जाएगा, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। खैर नाउ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस का आप जानते ही हैं कि सेल वैल्यू माइनस बाय वैल्यू, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, ठीक है, तो इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस बाय वैल्यू, ये आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है, अगर लॉस होता है दोस्तों तो यहाँ माइनस करके आता, और जब आप यहाँ पे इसको
इस तरीके से करेंगे ना, सब में फार्मूला लगाएंगे तो अपने आप वो प्रॉफिट जो भी होगा या जो भी लॉस होगा वो दे देगा। और अब मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ, देखिए अब इस टोटल टर्नओवर का एक ग्रैंड टोटल कर लीजिए, ठीक है। टोटल टर्नओवर हो गया, टोटल टर्नओवर का आप एक बार यहाँ पे ग्रैंड टोटल कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर खींच के लाइए नाउ, अभी देखिए आप इसको सम कर लीजिए, आप लोग जानते होंगे ऑटो सम के लिए, क्लिक कर दिया ऑटो सम हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट का भी सेम इसी तरीके से कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए ऑटो सम कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हो गया, पर गोल्ड और कॉपर के एक एक लॉट पे काम किया है अगर, तो आपका टोटल टर्नओवर जो होगा वो हो जाएगा दोस्तों 1,32,12,470 रुपये का, और प्रॉफिट आपको आएगा इस पर 71,530 रुपये की, ये प्रॉफिट आ गई। अब हमें ये प्रॉफिट तो आ गई, लेकिन अभी तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, हमको एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए ये सारे चार्जेस को इसमें लेस करना पड़ेगा। अब निकलेगा कैसे दोस्तों, वन बाई वन मैं बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ और बहुत ही बारीक तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आगे कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ब्रोकरेज दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रोकरेज क्या होता है, यहाँ पर देखिए एज पर क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट होता है। तो मैंने एक मान लिया है कि क्योंकि हम कमोडिटी में काम कर रहे हैं, तो जनरली जो होता है आप जब क्लाइंट और ब्रोकर का एग्रीमेंट होता है तो 1 पैसा ब्रोकरेज लगा देते हैं, ठीक है, यानी कि 0.01%। तो ये 0.01% किस पे लगता है दोस्तों, टर्नओवर पे लगता है, ध्यान दीजिएगा ये टर्नओवर पे लगता है। तो टर्नओवर पे लगाएंगे हम लोग इक्वल टू, ये हो गया टोटल टर्नओवर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 0.01 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका ब्रोकरेज निकल के आएगा 1,321.247 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्सचेंज चार्जेस, एक्सचेंज चार्जेस में क्या है, क्योंकि ये नॉन एग्री प्रोडक्ट है तो मैंने ये ले लिया है 0.0026% ऑन टर्नओवर, ये भी दोस्तों टर्नओवर पे ही लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो टर्नओवर पे लगाइए इक्वल टू टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाई 0.0026/100, ये देखिए ये आपका निकल के आ गया एक्सचेंज चार्जेस। एक्सचेंज चार्जेस कितना हो गया, 343.52422 रुपये, ठीक है। ये एक्चुअली एक्सेल सीट पे जो ऑलरेडी होता है कि कितने डिजिट में वो लेगा उस हिसाब से वो ले रहा है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप बाद में दशमलव के 2 डिजिट तक ले लीजिएगा, वो जब हम पूरा एक्चुअल निकाल लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए जीएसटी, जीएसटी 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। अब दोस्तों ये टर्नओवर पे नहीं लगेगा, जीएसटी टर्नओवर पे नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना वो, तो वो लगेगी ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन चार्जेस पे जीएसटी लगेगी, ठीक है। तो ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन चार्जेस को एक बार यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कंबाइंड रूप से लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस, इंटर कर लीजिए, तो 1,664.771 रुपये आ गए। तो अब यहाँ पर भी हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू, ये आपने जो टोटल किया हुआ है दोनों का, मल्टीप्लाइड बाई 18/100, ठीक है। ये देखिए आपकी जीएसटी निकल के आ गई 299.658.196 रुपये, ठीक है। अभी आप देखिए सीटीटी, अब निकालिए यहाँ पे कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स निकाल लीजिए। ये क्या होता है, 0.01% ऑन सेल साइड, दोस्तों ये सिर्फ सेल साइड में ही लगता है, ठीक है। तो सेल साइड का देखेंगे तो सेल साइड ये रही, सेल साइड ये रही, सेल वैल्यू ये है, तो सेल साइड में लगेगा तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम वही है, ऑटो सम कर लेंगे यहाँ पर हम, ये सारा का सारा ये देखिए उठा करके यहाँ पे हमने ऑटो सम कर लिया, ये आ गया, ठीक है, ये ऑटो सम आ गया। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इक्वल टू सेल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 0.01/100, ये आएगा 664.20 रुपये, ठीक है, 664.20 रुपये ये आ गया, ठीक। अभी देखिए सेवी चार्जेस, रुपये पर करोड़ है, तो 10 रुपये पर करोड़ है ये टर्नओवर पे लगता है, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे हमारा टोटल टर्नओवर है, ये ग्रैंड टोटल है, ग्रैंड टोटल के ऊपर लगाएंगे यहाँ पर, तो एक बार
हम कहीं टर्नओवर को इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 1 करोड़, तो ये आ गया 1.32 1247, ठीक है, ये आया है। अब दोस्तों इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई बस कर देना है हमको 10 से, तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई 10, ये देखिए 13 रुपए 21247 पैसे, ठीक है। ये सेवी चार्जेस जो है ये 10 रुपए पर करोड़, तो देखिए इसका मैंने नेट पे देखा था, सर्च किया था कि सेवी चार्जेस कितने होते हैं, तो कई साइट हैं जिस पे अलग अलग दिखा रहा है, कई सारे ब्रोकर की भी मैंने साइट देखी जो अलग अलग दिखा रहे हैं। अब ये क्यों है ऐसा मुझे नहीं मालूम है। देखिए एक जगह पे ट्रेडिंग चार्जेस अगर आप देखें यहाँ पे सेवी, तो सेवी चार्जेस यहाँ पे 0.00015% दिखा रहा है, और मैंने जो यहाँ पर चार्जेस लिए हैं ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे 5 रुपये पर करोड़ दिखा रहा है, ये भी मैंने एक साइट से ही लिया है ये सारा चार्जेस, ठीक है। तो इसमें जिस तरीके से चार्जेस दिए गए थे वो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया था, तो यहाँ दिखा रहा है। लेकिन मुझे जो पता है दोस्तों कि सेवी चार्जेस 10 रुपये पर करोड़ होते हैं, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मैं इसके अकॉर्डिंग ले लूँ कि इसने बताया हुआ है कि सेवी चार्जेस यहाँ पे 0.00015% है, तो इसका भी कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर ये होता है तो आप यहाँ पर देखिए इक्वल टू टोटल टर्नओवर आप यहाँ पर ले लेंगे और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.00015/100, तो ये आ जाएगा आपका 24 रुपये 15 पैसे के करीब आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ले लूँ जो मेरे पास है कि 5 रुपये पर करोड़ नॉन अग्री में, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ले लूँ तो सिंपल है, यहाँ पे तो इक्वल टू कर लीजिए दिस मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, हमने वहाँ 10 से कर देते हैं 5, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिए हैं। आप एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सेवी चार्जेस के बारे में अपने ब्रोकर से एक बार जानकारी ले लें और जितना होगा जो वो इन्फॉर्मेशन आपको देता है उस हिसाब से अपना यहाँ पर कैलकुलेटर में अपने जो एक्सेल कैलकुलेटर आप बनाएंगे उसमें फिट कर लें, ठीक है, उसमें फिट कर दें आप, उसी अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशंस हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था ना कि स्टैंप ड्यूटी जो होते हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए स्टैंप चार्जेस फॉर डिफरेंट स्टेट्स, तो मैंने यहाँ पर दोस्तों मान लिया है कि हम अपनी राजधानी में रह रहे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में स्टैंप ड्यूटी जो है वो है 0.001%, तो ये टर्नओवर पर लगती है, ठीक है, स्टैंप ड्यूटी आपकी टर्नओवर पर लगेगी। तो हम इसको इसी रूप में कैलकुलेट कर लेंगे, आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ का आप एक बार स्टैंप ड्यूटी की जानकारी ले लीजिएगा, अपने ब्रोकर से ले लीजिएगा, नहीं तो नेट पर देख लीजिएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, टर्नओवर इक्वल टू टोटल टर्नओवर ले लीजिए मल्टीप्लाइड बाई 0.001/100, ये देखिए 132 रुपये 0.1247 पैसे, ठीक। अभी दोस्तों ये पूरा कैलकुलेट हो गया, अब इसको हम ग्रैंड टोटल कर लेंगे, ठीक है, ऑटो सम किया, ये निकल के आ गया आपको। देखिए अब इसको आप कर सकते हैं, अगर राउंड फिगर में इसको करना है तो 2774 रुपये, ठीक है, राउंड फिगर हो जाएगा 2774 रुपये, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये ले लिया, इतना आपका ब्रोकरेज चार्जेस बनेगा दोस्तों ये ट्रेड के अंदर में, ठीक। अब आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था दोस्तों, यहाँ देख लीजिए 71530 रुपये, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट देखिए हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट को इक्वल टू टोटल प्रॉफिट माइनस आपका टोटल चार्जेस, इंटर कर दीजिए। अब आपका जो प्रॉफिट आएगा एक्चुअल वो होगा 68756 रुपीज़ 3 पैसा, यानी 68756 रुपये 3 पैसे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग अब समझ गए कि आप किस तरीके से खुद से एक MCX ब्रोकरेज कैलकुलेटर बना सकते हैं अपने एक्सेल शीट में।
और इसको बना करके रख लीजिए। यहाँ पे जैसे ही कोई चेंजेस होगा दोस्तों, ये सारा का सारा चेंज हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब सपोज डेट मानिए सिल्वर की दो लॉट में आपने काम किया, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 60 हो जाएगा, आपने सेम लॉट सेल कर दिया है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सारे चेंजेस हो गए। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट 87,310 आ गया, और यहाँ देखिए आपका जो चार्जेस है टोटल वो 3,380 हो गया लगभग, ठीक है। हमने अपना काम कर दिया है, आप लोगों को ये जानकारी दे दी है कि M6 ब्रोकरेज कैलकुलेटर कैसे बनता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना हो सके दोस्तों शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस अभियान में ज्ञान बांटने में ज़रूर सहयोग करेंगे। नमस्कार दोस्तों।